आ रहे हैं अयोध्या तो हो जाए सावधान। बारिश के दिनों में आपको सरयू में स्नान के लिए सरयू के घाट पर जाने की जरूरत नहीं है, आप रामनगरी की सड़कों पर ही सरयू जैसा नजारा देख सकते हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि मोक्षदायिनी माँ सरयू में स्नान कर आचमन करने की आज़ादी होगी, लेकिन अयोध्या की सड़कों पर भर रहे पानी पर चलना आपकी मजबूरी हो गई। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों के शहर अयोध्या की। अयोध्या को मुख्यमंत्री ने रामलला की जन्मस्थली के तौर पर विश्व में पहचान दी। भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो अयोध्या की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदल गई। देश और दुनिया के श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे। ऐसे में मामूली चंद घंटे की बारिश ने अयोध्या नगर निगम के दावे की पोल खोलकर रख दी है। अयोध्या के VIP मार्ग, राम जन्मभूमि को जोड़ने वाली सड़क, सब्जी मंडी और अशरफी भवन मार्ग पर घुटने से ऊपर पानी है। आलम यह है कि श्रद्धालु मजबूरी में गंदे पानी से होकर गुजर रहे हैं। इसके साथ ही संपूर्ण सब्जी मंडी भी जलमग्न हो गई है। रामलला के दर्शन को VIP मार्ग पर जाने के लिए यह मात्र एक मार्ग है, जिसका ऐसा स्वरूप अयोध्या के विकास को आईना दिखा रहा है और शायद नगर निगम अयोध्या की लापरवाही को भी बयां कर रहा है। रामनगरी आने वाले VIP लोग ऐसी तस्वीर बारिश के समय लेकर जा रहे हैं जो शायद ही अयोध्या के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अयोध्या के महापौर यह दावा कर रहे हैं कि बारिश में हमारी टीमें लगी हैं और हम पानी के एक्सेस को निकाल रहे हैं, किसी को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सच्चाई कैमरे के सामने है। क्या श्रद्धालु, क्या आमजन, हर कोई चंद घंटे की बारिश में लबालब नजर आ रहा है। क्या है ये सब? ये सब नगर निगम की लापरवाही है। नगर निगम कह रहा कि मैंने यह कर दिया वो कर दिया, लेकिन नगर निगम कोई कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ कागज में काम पूरा हुआ इनका बस। और अंडरग्राउंड वायरिंग हुई है, इससे लाइट चली जाती है, उसके बाद यहाँ पर करंट होता रहा है। पानी सरजू बा रही है एकदम, गांठ से ऊपर पानी बा रहा है। यहाँ पर लोग कपड़ा बटोर कर लोग गिर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जो है मोटरसाइकिल सामने एक्सीडेंट यहाँ पर हो गए हैं। हाँ, लेकिन प्रशासन यहाँ इसकी साफ सफाई होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमलेश कुमार पांडे, यहाँ डेंगू। ये सब भैया नगर निगम वालों की नाकामी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 बजे से कल शाम को बारिश स्टार्ट हुई थी, अभी तक बारिश हो ही रही है, लेकिन पानी का जलस्तर ऐसा है कि घुटने से ऊपर पूरा पानी हो चुका है। लोग आने जाने वाले परेशान हैं, सब्जी मंडी के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, सब्जी तक नहीं मिल रही है वहाँ पे, और लोग गिर रहे हैं सो अलग, कोई रिक्शा लेके गिर रहा है, कोई साइकिल लेके गिर रहा है, कोई गाड़ी लेके गिर रहा है। आदर्श कुमार सिंह भैया, सड़क जलमग्न है। ये कल 4 बजे से बारिश शुरू हुई है, उसके पहले यहाँ बारिश हुई नहीं थी। नगर पालिका कहती है हमने सफाई करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। देखिए, एक बारिश हुई है एक रात में और स्थिति यह है कि यहाँ सब्जी बहने लगी हैं, सारे अंडरग्राउंड वायरिंग कर दी है, कहीं कहीं करंट उतर जा रहा है। ये देखिए पानी का हमारे उसमें आपके तत्काल पानी आ गया। अब बताइए, इस तरीके की व्यवस्था है? नगर पालिका कहता है हमने सब कुछ करा दिया, होना जाना कुछ नहीं है। सड़क टूटी हुई है, पानी के नीचे सड़क टूटी हुई है, गाड़ियाँ आती उलट जाती हैं, पलट जाती हैं गाड़ियाँ, लेडीज़ कई कई गिर गिर गई हैं। होना ये चाहिए कि कागज व्यवस्था होना चाहिए, सड़क वड़क बननी चाहिए। कागज़ में उनका काम सब अपडेट है, कागज़ में कोई कमी उनके नहीं है बिल्कुल। हाँ, ये ना, ये सड़क जो है मेन है, ये राम जन्मभूमि को जोड़ती है सड़क, तब इसकी ये दुर्गति है। यहाँ से 1 किलोमीटर हनुमान राम जन्मभूमि और 500 मीटर हनुमानगढ़ी है। मेरा नाम दिवाकर दुबे है।